राखी, जब आप पहले सीजन में गई थी और अब की जो राखी जाएगी उसमें क्या फर्क होगा, क्योंकि लोग बिग बॉस में तो देख चुके हैं राखी को। नहीं, बिग बॉस में जो देखे थे वो अलग राखी थी। अच्छा ऐसा है। 14 साल के बाद जा रही हूँ, ट्रॉफी की भूखी। अब ये राखी सावंत अलग है। 14 साल पहले जो राखी सावंत इनोसेंट थी, बच्ची थी, दुनिया का नॉलेज नहीं था, बिग बॉस शो क्या है वो भी नहीं मालूम था। अब मैं जा रही हूँ, खूंखार राखी सावंत जा रही है, सोचो, भूखी शेरनी। फिर से करियर को एक पुश देना है, फिर से एक नाम करना है, फिर से पैसे कमाने हैं, फिर से सब कुछ करना है लाइफ में, और अपना स्टैंड लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है इस बार, और फुल टूस एंटरटेनमेंट करना है। वेरी नाइस। चोरी की बात आई, मैं तो सोच रही थी स्टेज पे आपने जो राज खुले आपके चोरी करने के, तो आपकी भी जो आपके भी सामान चोरी हो जाते हैं। हाँ, नहीं, मैं कौन से चोरी? वो शैम्पू बॉटल मॉइस्चराइजर, वो चोरी होने की बातें खुली थी ना, तो ऐसे जब कौन मैं से नई राज नई थी ना, खुले देखो, मैं ना एक चौल सिस्टम में पैदा हुई लड़की हूँ, बहुत गरीब। मुश्किल से मेरी माँ ईंटों पे खाना बनाती थी। मुश्किल से हम लोग को दाल दाल चावल भी नसीब नहीं होता। उस घराने से लड़की आई हुई हूँ। पहली बार होटल में आई गई, हम लोग ऐसे गरीब थे कि एक टॉवल सब बारी बारी नहा नहा के यूज करते थे। तो पहली बार होटल में, थोड़ी सी स्टार बनने के बाद, पहली बार होटल में गई, साफ सुथरा टॉवल देखकर ऐसे सीने से लगा लिया टॉवल, चद्दर, अच्छा बेड, अच्छा टॉयलेट। हम लोग तो चौल सिस्टम में तो सार्वजनिक टॉयलेट में जाते थे ना बचपन में, छोटे यस छोटे बच्चे थे तब। तो पहली बार वो टॉवल चुराया था, तो मैंने इंटरव्यू कहीं दे दिया था कि हाँ, मैंने चोरी की है। और छोटे छोटे शैम्पू कंडीशनर, खुशबू अच्छी लगती थी, मैंने तो एक दो बार चखा भी है शैम्पू कंडीशनर, कैसा टेस्ट होता है, मैं तो सच बोल देती हूँ। तो अर्शी खान ने वो इंटरव्यू मेरा पढ़ के आके सलमान खान के सामने ऐसा बोली, वो उसको कुछ मालूम नहीं है आपके मेरे बारे में। ये तो मैंने इंटरव्यू कहा था तब जाके वो पढ़ के आई है, उसको मैंने कभी थोड़ी बोला है। ये तो तब ओ था बचपन में, अच्छा। 14 साल पहले की बात है ये। तो राखी, मैं बस ये जानना चाहूंगी कि आप जब घर के अंदर जाएंगी तो आपकी लाइफ से भी जुड़े बहुत सारे सीक्रेट हैं इन 14 सालों में, बहुत तो क्या सीक्रेट है, उनके बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत ट्रेजेडीज है, बहुत दर्द है। जो लड़की हंसाती है उसके पीछे कितने दर्द सह सह कर लड़की आगे बढ़ी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, कभी डिप्रेशन में नहीं गई, कभी भी अपने आप को खत्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी एक ही है, ईश्वर की दी हुई, उसे हिम्मत हारना नहीं है, आगे बढ़ना है।